बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, मुद्दा मत, मुद्दा मत, मुद्दा मत, पुलिस हमारे साथ है, पुलिस हमारे साथ है। सभी साथी कंपनी से निकाल दिए गए हैं, सभी साथी कंपनी से निकाल दिए गए हैं और यूनियन हमें बखला रही है। एक एक करके सभी साथियों को बाहर निकाल दिया गया है, कोई समाधान नहीं हो रहा है, इसलिए एमडीसी को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। आज 11 साल से होंडा में काम कर रहा हूं और ये मुद्दा एकदम छटनी के कारण हुआ था, जिसमें 100-100, 150-200 बंदे निकाले जा रहे थे कंपनी से। उसके खिलाफ हमारी एक आवाज है, आंदोलन है, बाहर नहीं है, हम और भाइयों के साथ हैं। नहीं नहीं, मैं भी इन्हीं के साथ था, हाँ कॉन्टेक्ट पे था, पर मैं बाहर नहीं था, मैं कंपनी के अंदर था। अभी भी काम कर रहे हैं? हाँ जी। ये पैदल मार्च हम कोई शौक से नहीं निकाल रहे हैं, हम कोई पिकनिक ले नहीं निकाल रहे हैं। ये एक जो मार्च है वो मैनेजमेंट की जो नीतियाँ हैं, जो सरकार की जो नीतियाँ हैं, हम उसके खिलाफ ये जो मार्च है, हम इस मार्च के थ्रू सरकार और मैनेजमेंट को ये चेताना चाहते हैं कि जो अपनी जो नीतियाँ हैं वो नीतियों को आप बदलो, नहीं तो मजदूर आज रोड पर आया है और मजदूर जब रोड पर आता है तो पूरी सरकार का सिस्टम हिल जाता है। हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट जो लेबर है, जो हमारे कैजुअल साथी है, उनकी एक गैर जो कानूनी जो छटनी है, उन्होंने बिना नोटिस दिए हुए, बिना उनकी आगे की व्यवस्था किए हुए उनको छटनी करना चालू कर दिया। ये छटनी का विरोध 200-400 से चालू होता, ये 500-600 में पहुँच गया और इस विरोध में एक पूरा जो मजदूर वर्ग है, होंडा का पूरा मजदूर वर्ग है और IMT का जो मजदूर वर्ग है, इस रोष के खिलाफ सड़क पर आ गया है। और सरकार से भी हमारी यही अनुरोध है और निवेदन है कि जो आए दिन आप जो लेबर लॉ में जो बदलाव करते जा रहे हो, जो लेबर लॉ को कुचलते जा रहे हो, एक मजदूरों को जो दमन करते जा रहे हो, वो दमन की नीति आपको बंद करनी पड़ेगी। नहीं तो ये मजदूर अगर इस देश की जो अर्थव्यवस्था को सुधारता है, वही मजदूर आपकी सरकार को भी सुधार सकता है। फरवरी 2010 से यहाँ पे कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे था, काम कर रहा था और 10 साल हो गए मेरे को। अपनी जवानी के मतलब कीमती पल मैंने इसको, अपनी मेन पल जो मैंने इस कंपनी को दिए हैं, उसमें अब शादी भी हो गई है, फैमिली भी बड़ी बड़ी है, उसमें बच्चों की फीस वगैरह, ट्यूशन वगैरह सब कुछ आता है। हमारा तनख्वाह है 14,000 रुपये, जिसके सर भाई की शादी भी, भाई को भी पढ़ाया है, घरवाली मिसिज को भी पढ़ाया है मैंने और अब बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ, जिसके कारण वो खर्चा मतलब झेलना बहुत मुश्किल हो रहा था। 14,000 में एडजस्ट करके चल रहे थे, 3 महीने हो गए घर बैठे, उसका खर्चा कैसे चला रहे हैं वो हमें ही पता, कैसे चला रहे हैं हम, कैसे नहीं, उन्होंने बोल के निकाला था। अब मंदी है, मार्च के बाद हम आपको दोबारा बुला ले जाएंगे और 3-4 महीने भी मार्च तक कब आएगा, अगस्त में निकाले थे, अगस्त तक और मार्च तक 6-7 महीने हो गए, इतने में 3 महीने में अंदर घर का खर्च वगैरह कैसे चलेगा, कैसे क्या कर पाएंगे हम लोग। मैं लगातार 8-9 साल से होंडा कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ। 8-9 साल से हमें एक उम्मीद थी कंपनी से कि हम टेस्ट के दौरान या फिर किसी सीनियरिटी के दौरान हम कंपनी के अंदर परमानेंट वर्कर बन जाएंगे, लेकिन पिछले लगातार 3 या 4 महीने से हमारे अंदर छटनी चल रही है। हमारे कम से कम 600-700 बंदे 3 महीने पहले निकाल दिए गए थे, जो अभी तक वापस नहीं लिए गए। आज का जो बता रहा हूँ, आज हम अपने DC साहब के पास ज्ञापन सौंपने आए हैं कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, तो आज हम तो इसी आश्वासन से आए हैं, मैनेजमेंट से भी गुहार लगा रहे हैं, अब भी लगा रहे हैं, बिल्कुल शांतिपूर्वक लगा रहे हैं। ठीक है, मैनेजमेंट हमारे हित में थोड़ा फैसला लेके आए, हरियाणा सरकार लेके आए, जो हमारा ठेकेदार है वो भी हमारे हित में आए, और आज जो DC साहब के पास आए, हम DC साहब से भी उम्मीद करेंगे कि वो हमारे हित में जो भी निर्णय आएगा वो हमारे हित में ही लेंगे। अब 10 साल हमने इस कंपनी को दिए हैं, 10 साल हमारी मेहनत से इन्होंने 4 प्लांट लगा दिए हैं, हमने मेहनत की है तभी तो 4 प्लांट लगाए हैं, हम काम नहीं करते तो कैसे करते ये। मेरा नाम हरजीत है और मैं पिछले 20 साल से होंडा में काम कर रहा हूँ। अभी जो मुद्दा है वो ये है कि मैनेजमेंट एकदम से जो है हमारे यहाँ पे जो ठेकेदारी प्रथा है, पहले तो शैम कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया जा रहा है यहाँ पे। सेकंड थिंग जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर के जो नियम हैं उनका भी पालन नहीं किया जा रहा। परमानेंट नेचर ऑफ जॉब का जो काम इनसे कराया जाता है, पिछले 10-10 साल से जो है परमानेंट नेचर का काम कर रहे हैं यहाँ पे, उसके बावजूद इनको जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर के ना नियम इन पे लागू कर रहे हैं, ना उनके तहत इनको जो है वो किया जा रहा है। फिलहाल जो है मैनेजमेंट ने
यहाँ का प्रोडक्शन कुछ दूसरे प्लांट्स में शिफ्ट करके इनको जो है निकालने के लिए बोल दिया। पहले 15 दिन का गैप देते थे, फिर बोले एक महीने बाद ले लेंगे, अब 3-3 महीने के बाद, और सडनली जो है इनको बोला कि आपको जो है मतलब निकाला जा रहा है, आप अपना हिसाब किताब ले लें। तो 10-10 साल जो बंदे को लगातार काम करते हो गए हैं यहाँ पर, जो है मैनेजमेंट ठेकेदार को बदल बदल के जो है एक साल इस ठेकेदार के नाम पे, फिर एक हफ्ते बाद दूसरे ठेकेदार के नाम पे, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का जो है वॉयलेशन कर रहे हैं, और अब 10-10 साल से जो काम कर रहे हैं और उसके बाद एकदम से इनको जो है निकाल रहे हैं। मैं 10 साल हो गए होंडा में, हमारी तनख्वाह 14,000 रुपये है। अभी निकाला गया छतनी में निकाला गया था, अभी तो वो भी नहीं मिल रहा है। एक महीने घर बैठे हैं, अब गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होगा। समान काम समान वेतन भी नहीं दिया जा रहा है, सेम काम है। आज जो है एक शिफ्ट में परमानेंट बंदा जो काम करता है, दूसरे शिफ्ट में वही काम कॉन्ट्रैक्ट लेबर कर रही है, लेकिन सैलरी में भारी डिफरेंस है दोनों की, फैसिलिटीज़ में भारी डिफरेंस है दोनों की। और इनको जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत भी समान काम समान वेतन मिलना चाहिए, और इमीडिएट जो है जिस हिसाब से शैम कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे, इमीडिएट जो है ये परमानेंट होने के हकदार भी हैं, क्योंकि हमारे तीनों प्लांट जो है बाकी फुल फ्लैश चल रहे हैं। इवन यहाँ का भी प्रोडक्शन जो लॉस हो रहा है उसको भी जो है वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है, संडे को भी फैक्ट्री चलाई जा रही है। यहाँ पे सिर्फ इनको ये लग रहा है कि ठेकेदार के बंदे हैं 10-10 साल पुराने हैं, इनकी सैलरी ज़्यादा है, इनको निकाल के हम नए बंदे भर्ती कर लेंगे जिनसे कम कम सैलरी में काम कराएंगे। कुछ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत बंदे लेके उनसे काम कराया जा रहा है, अप्रेंटिसशिप से काम कराया जा रहा है, तो लेबर कॉस्ट बचाने के लिए जो है इनके साथ विक्टिमाइजेशन मजदूरों का हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, यही है हमारा कहना। होंडा ने जिस प्रकार से छटनी के नाम से एक छटनी का बहाना बना करके कैजुअल लोगों को और जो परमानेंट लोग हैं उसके साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा हुआ है, यहाँ की प्रोडक्शन दूसरे जो 3 प्लांट हैं उसमें शिफ्ट कर दिया गया है, और प्रोडक्शन कम कर करके जितने कॉन्ट्रेक्चुअल गैर कानूनी तरीके निकाले जा रहे हैं ये उसका एक मामला है। तो इसके अंदर सभी कॉन्ट्रेक्चुअल लेयर पिछले 5 तारीख से उन्होंने ठीक उससे एक महीना पहले हंगर स्ट्राइक कर करके मैनेजमेंट से ये मांग की थी कि हमारी जो नौकरी निकाले जा रहे हैं उसे आप नौकरी ना निकालें, लेकिन प्रबंधन ने एक नीति बनाने की कमिटमेंट किया था वर्कर के साथ में, लेकिन एक महीने के बावजूद भी कोई नीति बन नहीं पाई, और उस ना नीति बनने के बाद फिर दोबारा वर्कर को निकाला गया था, गुस्से में आकर लोगों ने धरना दिया वहाँ पे। तो हमारी एक तो मांग ये है कि दूसरे प्लांटों में जो शिफ्ट करी गई प्रोडक्शन है उसको वापस इस प्लांट में लाया जाए, जिससे कि हरियाणा सरकार का रेवेन्यू भी बढ़े और यहाँ का जो लोग हैं कैजुअल लोग हैं उनकी नौकरी भी ना जाए। दूसरा ये है कि पिछले 15-16 महीने से वेस्ट सेटलमेंट जो परमानेंट आदमी ड्यू पड़ा हुआ है उसके ऊपर भी मैनेजमेंट ने अभी तक कोई समझौता नहीं किया है, तो ये सारा उस वेस्ट सेटलमेंट को विफल करने के लिए और जो मैन पावर है उसको बाहर निकालने के लिए ये पूरा षड्यंत्र है मैनेजमेंट का। तो अभी सभी लोग जो है ना अपना, हमने इस मात को लेकर के सरकार से भी इसमें बातचीत करी है, श्रम मंत्री से भी बातचीत करी है, हमने उनसे ये आश्वासन दिया गया था कि पहले आप अगर एक बार प्लांट में जो लोग बैठे हैं अगर उसको आप बाहर बैठाते हो तो 2 दिन के अंदर अंदर समझौता करवा देंगे। वर्कर ने बिल्कुल पॉजिटिव और सकारात्मक तरीके से लिया इस बात को और प्रशासन की इस बात को माना हम लोगों ने कि ठीक है, अगर दोनों समझौता होता है तो हमें बाहर आने में कोई दिक्कत नहीं है। सारा वर्कर बाहर आके बैठ चुका है इस टाइम पर, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब से वर्कर बाहर बैठे हैं तब से तो मैनेजमेंट ने आना ही बंद कर दिया मीटिंगों के अंदर, कोई मीटिंग ज्वाइन करने मना कर दिया कि मीटिंग में नहीं आ रही है। तो मैनेजमेंट का ये अंडामेंट तरीके से जो है ना यहाँ पे पूरा मजदूर वर्ग, एक होंडा कंपनी ही का नुकसान नहीं हो रहा है, होंडा कंपनी के बहुत सारे वेंडर कंपनियां हैं, जो सारी वेंडर कंपनियां आगे टाइम बंद पड़ी हुई है, बहुत करोड़ों रुपया घाटा हो रहा है इस टाइम डेली, लेकिन मैनेजमेंट की नीतियों की वजह से, मैनेजमेंट की मजदूर नीतियों की वजह से हमें ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट के अंदर बैठे हुए जो आदमी हैं वो आदमियों की सोच संस्थान के हित में नहीं है, उनकी सोच व्यक्तिगत हितों के ज़्यादा पड़ी हुई है, उनके अपने अपने पर्सनल स्वार्थ है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ये भी शंका क्यों नहीं हुआ हमारे को कि कोई अधिकारी मैनेजमेंट के आदमी दूसरी कंपनी से मिलकर काम कर रहे होंगे और होंडा को बर्बाद करने में तुले हुए होंगे इस बात को लेकर के, ये बहुत बड़ी बात है इसके अंदर। तो हमें और प्रशासन को बात समझनी चाहिए और उत्पादन यहाँ शिफ्ट करके लाना चाहिए दोबारा से, वर्कर को नौकरी मिले सुख शांति से। बिल्कुल हम चाहते हैं कि कंपनी आगे चले, कंपनी आगे चलेगी तभी हमारी नौकरी सुरक्षित है, कंपनी बढ़ाना चाहते हैं, कंपनी से पैसे हम तभी मांग सकते हैं जब कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा, हम कंपनी का मुनाफा बढ़ाने को तैयार हैं लगातार, लेकिन मैनेजमेंट की नीतियों की वजह से यह हर संभव प्रयास नहीं हो पा रहा है। तो इसके ऊपर हम आज एक पूरी रैली निकाल करके हमने डी साहब को ज्ञापन दिया है, उनसे ये रिक्वेस्ट करी है कि आप इसमें इंटरवेंशन करिए ताकि मजदूरों का फैसला हो सके। अगर ये समझौता बहुत जल्दी नहीं होता है तो आपको वो दिन भी दूर नहीं है जब पूरे इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर बहुत सारी कंपनियों के अंदर डिस्प्यूट चल रहे हैं, अलग अलग डिस्प्यूट चल रहे हैं उनके। समझौता या तो समझौता करने की लड़ाई है,
बहुत सारी कंपनियां तो ऐसी हैं जहाँ समझौता हो रखे लेकिन समझौते इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, इंप्लीमेंट तक नहीं हो रहे, बड़ी वैसी बात है मतलब ये। तो वहाँ की समस्या इतने बड़े स्तर पर है कि मेरे ख्याल में अगर 5-4 दिन समझौता नहीं हुआ तो गुड़गांव के अंदर 15-20 कंपनियां तो वैसे ही बंद होने वाली है आज के टाइम में। हम चाहते नहीं है कि वो नौबत वो हालात यहाँ पे पैदा हो, लेकिन मैनेजमेंट का दिमाग कैसे ठीक करना है ये प्रशासन को देखना होगा इस बात के लिए। मैं यहाँ 15 साल हो गया काम करते हुए, 2005 से आया हूँ। जो परमानेंट आदमी है उनको अनलिमिटेड छुट्टी दे दी गई, पहले 2 दिन की छुट्टी दी गई थी, अब अनलिमिटेड छुट्टी दी गई है। इसका मतलब कि पहले उनको निकालो फिर इनको निकालो। अब वो चाहे वो कैजुअल है चाहे परमानेंट हो, बच्चे उनके भी, बच्चे हमारे भी हैं, उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। इनका केवल ये प्लान है कि ये सीधा सीधा ये मदर प्लांट है और यहाँ प्रोडक्शन कर रहे थे, प्रोडक्शन करते हुए यहाँ से इन्होंने कहे जहाँ 10,000 का प्रोडक्शन है। तो एक आदमी ने क्या किया कि ये तीनों प्लांट बेंगलोर में है, गुजरात में है और आपका जो है राजस्थान में है, हरियाणा में है। तो हरियाणा वाला जो प्रोडक्शन है वो तीनों कंपनियों में बांट दिया, तीनों कंपनियों में बांट दिया और यहाँ पे एक केवल 1,000 दिया, वहाँ पे 9,000 का प्रोडक्शन 3,000 करके और उनको बांट दिया, उनको डबल ड्यूटी करा करके उनको और पैसा दिया जा रहा है। केवल इनको ये दिखा रहे हैं कि केवल मानेसर के प्लांट में मंदी है, यहाँ के मजदूरों को निकाला जाएगा। यहाँ पे उन्होंने इससे कमा करके 4 प्लांट 3 प्लांट और बनाए। हाँ, हम लोग की मेहनत लगी, आज हम उनको महंगे दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए मंदी नहीं, हमारे लिए 14,000 के लिए मंदी है। ये होंडा के अंदर जो चल रहा है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये प्लांट यहाँ जब लगा था एक प्लांट था, इन मजदूरों ने जो आज लड़ाई के मैदान में हैं इन्होंने ही 4 प्लांट बनाए। आज मंदी का बहाना बना के मजदूरों के रोजगार पे पिछले 4 महीने से लगातार हमला चल रहा है। लगभग 1,000 से ज़्यादा वर्कर्स को ये बाहर निकाल चुके हैं। 4 तारीख को इन्होंने नोटिस लगा के भी काफ़ी सैकड़ों वर्करों को बाहर निकाल दिया। उस स्थिति में रोज स्वरूप जो अंदर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर था वो सारा बैठ गया और बहुत ही पीसफुली ढंग से अपना रोष जता रहे थे। अब 11 तारीख को मैनेजमेंट ने एक तरफा तौर पे बिना कोई परमिशन लिए, बिना कोई लेबर डिपार्टमेंट से, सरकार से, यूनियन से बात किए, एक तरफा प्रोडक्शन सस्पेंड का नोटिस लगा दिया और जिसकी वजह से एक स्थिति बड़ी विकराल बनी है। और उसके चलते हुए आज होंडा तो इन्होंने बंद कर ही रखी है, कंप्लीट तौर पर सब वर्कर की छुट्टी कर रखी है। सारा वर्कर स्टे के नाम पे बाहर निकाल दिया गया। हमने भी पीसफुली पूरा कानून का सम्मान करते हुए सारा वर्कर बाहर बैठा है। हम चाहते हैं कि सरकार बातचीत करे, होंडा मैनेजमेंट को बुलाए, पूरे वर्कर के मसले को हल करे। एक प्लांट से 4 बनाने वाले वर्कर आज बाहर हैं और मैनेजमेंट 3 प्लांटों में पूरी प्रोडक्शन करके अपना मुनाफा सुनिश्चित करना चाहती है, जबकि इस प्लांट के अंदर भी अक्टूबर में बड़ा हाईएस्ट प्रॉफिट लिया गया है। तो कोई आधार नहीं बनता है इस प्रकार से छटनी का, लेकिन मैनेजमेंट वर्कर का, क्योंकि ऑलरेडी एक डिमांड नोट 1.5 साल से चल रहा है रेगुलर वर्किंग के डिमांड नोटिस को फेल करने के लिए और इन वर्करों के रोजगार पर हमला करते हुए एक बहुत षड्यंत्रकारी ढंग से होंडा मैनेजमेंट वर्कर के अधिकार को दबाना चाहती है। इसलिए पूरे गुड़गांव NCR के जितने मजदूर हैं सब ने ट्रेड यूनियन काउंसिल के बिहाव से एकजुट होकर होंडा के वर्कर का समर्थन दिया और आज हम 25 किलोमीटर पद यात्रा करके यहाँ DC साहब को अपना ज्ञापन देने आए हैं। हम लेबर मिनिस्टर से मिल चुके हैं, लेबर कमिश्नर से मिल चुके हैं, सभी ने कहा बात तो जायज़ है। नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल कहूँगा कि भारत सरकार ने जिस प्रकार से श्रम कानून में बदलाव करके पूंजीपतियों के हक में जो काम किया है और मजदूर के अगेंस्ट विरोधी जो काम किया है वो बिल्कुल घोर निंदा के लायक है, एक बात तो ये। और जब भी कोई मंच होता है हमारे, बिल्कुल हमारी ट्रेड यूनियन है जो सेंट्रल लेवल पे काम करती हैं, हम तो लोकल स्तर पे काम करते हैं, हमने हर मंच के ऊपर ये कोशिश करते हैं कि जो मजदूर विरोधी नीतियाँ जो भारत सरकार अपना रही हैं उनका विरोध किया जा रहा है, उनको हर तरह उठाया जा रहा है। कल नेगोशिएशन चल रही थी, सुबह मैनेजमेंट थी, 4 बजे की मीटिंग में मैनेजमेंट नहीं आई और आज डिप्टी लेबर कमिश्नर ने उनको बाकायदा सम्मन जारी करके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत बुलाया था, आज मैनेजमेंट नहीं आई। हम DC साहब को सुबह मिल के कह के गए थे और आज पूरा वर्कर चल के आया है। अगर वर्कर की मामला हल नहीं किया तो इसके परिणाम बहुत दूर तक जाएंगे। जब से होंडा कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन बंद किया है उसके चलते हुए वाइंडर कंपनी 150 से ज़्यादा कंपनियों में भी प्रोडक्शन बंद है और हज़ारों वर्कर के रोज़गार को छीन लिया गया जो बाहर बैठा है। हम अभी भी कहना चाहते हैं या समय रहते सरकार प्रशासन चेते और मसले का हल करे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाली 27 तारीख को हम बावल से लेकर
लोग बिहार तक की एक एक यूनियन के पास जाएंगे, तमाम वर्करों को इकट्ठा करेंगे और 27 तारीख को बड़ा प्रोग्राम, इससे भी कहीं बड़ा प्रोग्राम यह होगा और उसमें फिर कोई भी सीधे संघर्ष का ऐलान हम TOC और सारी यूनियनें करने पर मजबूर होंगी। उसके लिए जिम्मेदार सरकार होगी, प्रशासन होगा। ये जो मंदी का नाम ले रहे हैं, एक तरफ सीतारमण जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री वो कह रही है कोई मंदी नहीं है, ले मंदी नहीं है तो फिर ये वर्क बाहर क्यों बैठे हैं? आखिर इसका जवाब तो दो, ये क्या तमाशा है? आज पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को, बीमा क्षेत्र को, टेलीकॉम क्षेत्र को, पूरा रेलवे को, पूरे सार्वजनिक क्षेत्र को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, ऑयल इंडस्ट्री को, इसलिए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भी पूरा ट्रेड आंदोलन निष्क्रिय हो चुका है। बहुत बड़ी कन्वेंशन दिल्ली में की थी और हमने भी राज्य में मीटिंग की है, 6 बड़ी जोनल कन्वेंशन कर रहे हैं और आने वाली 8 जनवरी को पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ी हड़ताल जिसमें 25 करोड़ से ज़्यादा मजदूर भाग लेंगे और उस हड़ताल को विद्यार्थी संगठनों ने, नौजवान संगठनों ने, किसान संगठनों ने, महिला संगठनों ने और खेत मजदूर संगठनों ने, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग ने उसका समर्थन किया है और 8 को ऐसी स्थिति बनेगी कि पूरा भारत बंद की तरफ जाएगा, ये हम कहना चाहते हैं। ये होंडा में जो ये कांड हुआ है, जो मजदूरों को बाहर कर दिए हैं, उसके प्रति हम उन मजदूरों के साथ हैं और साथ रहेंगे, क्योंकि मजदूर एक है और एक ही रहेगा। Thank you.